नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना के निर्देश पर प्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस परिजनों के बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर तैयार कराए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस लाइन ग्वालियर में एक लर्निंग सेंटर तैयार किया गया। उक्त नवनिर्मित लर्निंग सेंटर का आज पुलिस लाइन ग्वालियर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ग्वालियर जोन डी श्रीनिवास वर्मा द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज कृष्णा वेणी येशावतु और पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल, एडिशनल पुलिस अधीक्षक शहर मध्य यातायात ऋषिकेश मीणा की उपस्थिति में रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। आज हमारे पुलिस लाइन में बच्चों को पढ़ने के सुविधा के लिए एक लर्निंग सेंटर की प्रारंभ की गई। हमारे जो डीजीपी महोदय है सुधीर सक्सेना साहब, प्रदेश के मुखिया, उनके निर्देशन में सारे बटालियन में, सारे पुलिस लाइन में इस प्रकार का लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई। आइडिया ये है कि बच्चे कई बार उनको प्रशांत वातावरण नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, और घर में कई बार वो माहौल भी हो सकता है ना भी मिले, तो इन बच्चों को जो डेवलप करने के लिए स्किल्स वगैरह, लर्निंग स्किल्स, तो ये हमने प्रारंभ किया है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को जो प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करनी है तो बुक्स की व्यवस्था करना, लोगों को बुला के गेस्ट लेक्चर्स दिलवाना, मोटिवेशन लेक्चर्स दिलवाना, उनका कैरियर काउंसलिंग कराना, ये मुख्य उद्देश्य है इस लर्निंग सेंटर का। तो उम्मीद करूँगा कि पुलिस लाइन के जो बच्चों को ये उपयोगिता साबित होगी और डेफिनेटली आगे चल के अपने अपने कैरियर्स बनाने में इनको मदद मिलेगा। लर्निंग सेंटर कितने बजे से खुलेगा और कब तक ये खुला रहेगा? इसका टाइमिंग अभी हमने 100% फिक्स नहीं किया, बच्चों से अभी सुझाव हमने मांगा है। तो एक सुझाव यह है कि मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9 तक अभी खुलने का। इसके लिए हमको मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी दो शिफ्ट में चलाने के लिए, उसका भी हम व्यवस्था करेंगे। किस क्लास से लेके किन क्लास तक यहाँ? नहीं, ये क्लासेस नहीं, सभी के लिए ओपन है। हाँ, पुलिस लाइन के बच्चों को पढ़ने के लिए एक वातावरण दे सकें, तो इसमें कोई क्लास का बंदिश नहीं।